वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरुषि श्रीवास्तव। बॉलीवुड की वो हसीनाएं जो राजनीति में उतरी और मचा दिया बवाल, नवनीत राणा से अर्चना गौतम तक, हेमा मालिनी से जया बच्चन तक। इस स्पेशल रिपोर्ट में जाने उन हसीनाओं के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ राजनीति में भी खूब नाम कमाया और आज अपने तीखे तेवरों के कारण बवाल मचा दिया। ये नाम असल में इतने मशहूर हैं कि कितनों से तो आप परिचित होंगे और कुछ के बारे में आज हम आपको इस स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से बताने वाले हैं। एक्ट्रेस से राजनेता बनी नवनीत राणा इन दिनों सुर्खियों में है। नवनीत को राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया था। मामला मातोश्री में हनुमान चालीसा पढ़ने का था और देखते ही देखते इस बात ने सुर्खियां पकड़ ली। नवनीत के फिल्मी करियर की बात करें तो नवनीत ने कन्नड़ फिल्म दर्शन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके अलावा नवनीत ने तेलुगु फिल्म सीनू, वसंती और लक्ष्मी में भी एक्टिंग की है। साल 2005 में तेलुगु फिल्म चेतना, जगपति, गुड बॉय और साल 2008 में भूमि में भी उन्होंने बतौर एक्ट्रेस का काम किया है। वो रियलिटी शो हुमा हुमा में भी बतौर कंटेस्टेंट के तौर पर हिस्सा ले चुकी हैं। एक जमाने के हिट एक्ट्रेस रही जया प्रदा ने साल 1994 से राजनीति में हिस्सा लिया। उन्होंने 1994 में तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की थी। साल 2004 में एक्ट्रेस समाजवादी पार्टी से जुड़ गई थी, लेकिन उन्होंने साल 2010 में पार्टी से निकाल दिया गया था। साल 2019 में जया ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने जया पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन दोनों के बीच बड़ी बहस छिड़ गई थी। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी का जाना माना चेहरा है। एक्ट्रेस साल 2003 में राज्यसभा सांसद नियुक्त की गई थी। पिछले 13 सालों में राजनीति में रही हेमा फिलहाल मथुरा लोकसभा सीट से सांसद है। हेमा उस समय चर्चा में आई जब ओपोजिशन नेता गुलाब राव पाटिल ने अपने शहर की सड़कों की हेमा के गालों से तुलना की थी। बंगाली एक्ट्रेस से सांसद बनी नुसरत जहां काम से ज्यादा विवादों में सुर्खियां बटोरती हैं। एक्ट्रेस पर कई बड़े फतवा जारी हो चुके हैं, वहीं शादी और बच्चे को लेकर भी नुसरत कई बार विवादों में रही हैं। एक्ट्रेस ने विदेश में शादी कर एक साल बाद भारत में इसे अमान्य बताया। पति से अलग होने के बाद नुसरत बॉयफ्रेंड यश दासगुप्ता के बच्चे की माँ बनी थी। रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर ने साल 2019 से हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हाथ पकड़ा था। एक्ट्रेस ने नॉर्थ मुंबई की सीट के लिए दावेदारी पेश की थी। भाजपा सांसद गोपाल सेठी से चुनाव हारने के चंद महीने बाद ही एक्ट्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने उर्मिला को सॉफ्ट पोर्न स्टार भी कहा था, जिसके चलते कई महीनों तक वे चर्चे में रही थी। कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुकी जया बच्चन भारतीय राजनीति का एक जाना माना नाम है। साल 2004 से लगातार राज्यसभा सांसद बनी एक्ट्रेस समाजवादी पार्टी की नेता हैं। जया अक्सर सांसद में दिए अपने बेबाक बयानों के चलते सुर्खियों में रहती हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद बॉलीवुड पर निशाना साधते रहने के लोगों के खिलाफ एक्ट्रेस को सांसद में आवाज उठाने के लिए जाना जाता है। इस स्टोरी में आपने जाना उन राजनेताओं के बारे में जो एक जमाने में बॉलीवुड हसीनाएं रह चुकी हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही तमाम मजेदार स्टोरीज देखने के लिए बने रहे हमारे साथ जनसत्ता.com पर।